गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. देन क्लास फोर्थ, क्लास फोर्थ आपका चैप्टर नंबर जो वन था, नेहा अलार्म क्लॉक, आपका जो चैप्टर नंबर वन है, ठीक है. इसमें मैंने आपको चैप्टर रीड करवा दिया था स्टूडेंट, मैंने आपको इसमें चैप्टर रीड करवा दिया था. पेज नंबर जो आपका एट है उसमें मैंने आपको पैसेज करवा दिए थे, टिक द करेक्ट करा दिए थे. पेज नंबर नाइन में मैंने आपको फिलअप करवा दिए थे. और हु सेड दैट वर्ड हेलो, किसने इसको कहा, ये भी मैंने आपको फिल करा दिया था, ठीक है, वर्ड भी दिया था. देन आज हम टूडे इज ए टॉपिक हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है. तो फोर्थ क्लास क्वेश्चन नंबर वन है, सॉरी पहले मैं हेडिंग लिख देती हूँ. आंसर that she feel
when her clock when her clock has fallen F-A-L-L-E-N fallen answer number 3 jo hai ki when is this first weapon theek hai kya de rakha hai neha happy when neha happy when W-H-E-N when her clock H-E-R her clock C-L-O-C-K clock her clock her clock has fallen because has fallen has a double fallen because B E C A D S because she thought she T H O U G S T that she can get a plate. Get a plate. Okay, class. Yeah, the answer हो गया कि why is Neha happy? क्यों Neha happy? जब उसकी clock जो fallen हो जाती है, वो काम करना बंद कर टूट जाती है, गिर जाती है, तो Neha happy when her clock has fallen. Question में से यहाँ तक आ रहा है class. आप question learn करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि question में से answer कितना आ रहा है, तो आपको थोड़ा easy हो जाएगा. ठीक है कि when her clock has fallen happy fallen because she thought that she can get a plate. ठीक है क्यों जाती क्योंकि वो लेट हो जाती है. फॉर एक सेकेंड मैं आपके पास एक्सप्लेन करूंगी. व्हाट इज इनसाइड क्वेश्चन नंबर 4 है. व्हाट इज इनसाइड you that makes you get up at the same time every day. स्लीप इन द मॉर्निंग और वो वापस से क्या करती है सो जाती है मॉर्निंग.
पे हम पढ़ेंगे व्हेन नेहा मदर वेक अप नेहा, व्हेन नेहा जब उसकी मदर जो उसको उठाने आती है नेहा को एंड टोल्ड शी विल, एंड उसको शी विल कहती है कि मिस द बस, देन शी फील देयर इज दिस नो एस्केप। ओके थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज नेहा हैप्पी, नेहा क्यों हैप्पी होती है जब हर लोग वो है जब उसकी क्लॉक फेल हो जाती है, तो नेहा क्वेश्चन में से हैप्पी व्हेन हर क्लॉक हैज फेलन बिकॉज शी थॉट दैट शी कैन गेट अ प्ले। ठीक है, शी थॉट वो सोचती है कि शी कैन गेट अ प्ले, वो अब लेट हो चुकी है। तो यहाँ पे जब उसकी वर्क करना बंद कर देती है क्लॉक तो हो जाती है, तो सोचती है कि मेरी वॉच पे काम करना बंद कर दी है और वह सोच जाती है कि अब मैं आराम से गेट अप मुझे लेट तक उठ सकते हूँ। यहाँ पे आपका थर्ड जो क्वेश्चन उसका आंसर मैं बताई हूँ, मुझे पता है फर्स्ट क्वेश्चन में से कि किसी क्वेश्चन में से आंसर नहीं आ रहा, सेकंड में भी नहीं आ रहा, पर जिसमें नहीं आ रहा वो आपको अपने आप रन करना है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत आंसर अगर मिल रहा है तो उसके बाद आपको जो है वो याद करना। बेटा मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर रन करने, ये ऐसा नहीं है कि मैम ने करा दिया वर्क कर लिया ओके नो, आप क्वेश्चन आंसर भी रन करें। ठीक है, चाहे वन चैप्टर थोड़ा थोड़ा आप प्रिपेयर रहे, इम्प्रूवमेंट लाए राइटिंग में, अगर आपको आंसर लर्न भी नहीं हो रहा है तो आप उसको रफ कॉपी में उस आंसर को दो तीन बार लिखेंगे तो अपने आपको मीनिंग भी लर्न होगी, आंसर भी समझ में आएगा और आपको ये होगा आपको कॉपी जो है आपकी जो इंग्लिश की रीडर की जो कॉपी मैंने बताई है आपको वो उसमें आपको वर्क करना है जब तक आप पहले से भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और बस नीट एंड क्लीन होना चाहिए, देन बुक स्टोर से आप बुक्स जो है परचेज करें जिससे आपको समझ में आ सके कि मैम कौन सी चीज क्या करवा रही है। ओके स्टूडेंट, देन क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेड यू गेट अप लेट एट द सेम टाइम एवरी डे, व्हाट क्यों इनसाइड क्या है जो यू गेट अप लेट एट द सेम टाइम एवरी डे, वो क्यों इस तरह से करती है क्यों गेट अप लेट करती है रोज सेम टाइम पे इनसाइड। तो लिखा है देयर इज ए क्लॉक, यहाँ बताया गया है कि देयर इज ए क्लॉक इनसाइड एवरीवन व्हिच टेल्स व्हेन टू ईट व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप, कि यहाँ पर क्लॉक में इनसाइड ये बताया गया कि कब हमें बताया गया है एवरीवन को कि कब हमें खाना चाहिए, कब हमें सोना चाहिए और कब हमें उठना चाहिए। यस या नो, हमारा अपना शेड्यूल होता है, हमारे टाइम टेबल होता है कि हमें कब उठना है, कब हमारा ब्रेकफास्ट होगा, ठीक है, कब हमारा लंच होगा, कब डिनर होगा, कब हमें स्लीप करना है, ये सब आपका शेड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि आप कैसे गेटअप करेंगे हर चीजों को, तो आप यहाँ पे इस तरह से मैंने मेंशन करा है कि सेम टाइम एवरी डे हम किस किस तरह से करेंगे कि सेम टाइम वॉच के अकॉर्डिंगली देयर इज ए क्लॉक इन साइड एवरी वन व्हिच टाइम व्हेन टू एंड कब हमें खाना है, देन व्हेन टू ईट एंड व्हेन टू स्लीप। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर मैंने करा दी, आपको कॉपी में करना है, मंडे को आपकी कॉपी डिपोजिट होगी तब मैं आपका वर्क चेक करूंगी। उसके अलावा बेटा आपके क्वेश्चन आंसर ये मैंने आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, आपका जो प्रॉपर जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, बस आपके चैप्टर में ट्रू एंड फॉल्स है, क्या है आपके चैप्टर में ट्रू एंड फॉल्स, ये बात ध्यान से सुनिए बेटा, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है नेहा राम क्लॉक, इसमें जो आपके ट्रू एंड फॉल्स है वो ट्रू फॉल्स सिर्फ आप बुक में ही फील कर लें, जो ट्रू एंड फॉल्स है वो ऑनली फोर में आपको ब्लैक बोर्ड पे नहीं करा रही हूँ, आपको कॉपी में भी नहीं करना है, आपको बस बुक में ही वो क्वेश्चन आंसर जो सॉरी ट्रू एंड फॉल्स है बस आप बुक में ही फील करना है, ट्रू एंड फॉल्स आपको किसमें फील करना है, बुक में ही फील करना है, कॉपी में आपको ट्रू एंड फॉल्स नहीं करना है। ओके, मैं आप समझा रही हूँ, आप जिन जिन बच्चों के पास बुक है बस वो फील कर ले बुक में, कॉपी में करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स आप समझ लीजिए, जैसे कि राइट द ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स जानते हैं टी आर यू ई, टी आर यू ई, ट्रू ट्रू मीन्स क्या होता है सही, देखो टी आर यू
नेहा वांट्स, नेहा की जो इच्छा थी द अलार्म क्लॉक टू फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूल जाना, रिंगिंग फॉरगेट हमेशा के लिए भूल जाना, फॉल्स वो ये नहीं चाहती थी कि हमेशा के लिए भूल जाए, वो तो क्या चाहती थी जॉब करना बंद कर दी, ठीक है। सेकेंड है नेहा स्नू टिल शी हियर हर फादर वॉइस, के नेहा को क्या फादर की वॉइस सुनाई देती है क्या? नो, उसको फादर की वॉइस नहीं सुनाई देती, उसको मदर जो है उनकी आवाज सुनाई देती है, मदर जो है जब वो बोलती है उसको बुलाती है, तो फादर की वॉइस नो गलत है। थर्ड है नेहा इट्स हर लंच एवरीडे, नेहा जो लंच करती है वो एवरीडे करती है एट वन बिकॉज शी फील ऑन